सोनीपत के नागरिक अस्पताल के डॉक्टरों पर मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी करने के आरोप लगे हैं। मेडिकल रिपोर्ट सही तरह से न दिखाने पर नागरिक अस्पताल के 6 डॉक्टरों पर FIR दर्ज हुई है। इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी की है। हत्या के मामले में डॉक्टरों द्वारा जब मेडिकल करवाया गया तो पहले एक चोट दिखाई गई और फिर जब बोर्ड ने जांच की तो 4 चोटें दिखाई गईं। शिकायत के बाद पुलिस ने सभी डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये सन 2017 की बात है सर। 2017 के अंदर एक FIR दर्ज की गई थी 302 की, जिसकी जाँच करवाई गई थी। उसमें 5 डॉक्टरों की टीम नियुक्त की गई थी। उसमें जो चोटें थी वो गलत दर्शाई गई थी, जिसकी जांच होने पर वो गलत पाया गया, जिसमें एक राशि वालिया के खिलाफ FIR दर्ज की थी और अन्य 5 जो नियुक्त किए गए थे डॉक्टरी टीम के अंदर, उन लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। सर, वे 5 डॉक्टर कौन हैं, उनके नाम बताओगे? डॉक्टर है जी इसमें अबू जैन, डॉक्टर एकता शर्मा, डॉक्टर सुनील जैन, सुशील जैन, डॉक्टर राहुल कुमार, डॉक्टर गौरव शर्मा। पांचों के खिलाफ किस धारा के तहत मामला दर्ज किया गया? ये धारा 167, 218, 120 भी। IPC के तहत प्रस्तुत किया गया है। किस किस शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है? यह अशोक कुमार की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। कब तक गिरफ्तारी की जाएगी? इनको जांच चल रही है, जैसे जांच के दौरान जैसे सामने सबूत आएंगे। मामला दर्ज किया क्या है? ये बोर्ड में डॉक्टर जैसे भी? हाँ, सभी बोर्ड के मेंबर है सर। इन्होंने चोट को गलत ठहरा दिया जी सर। शिकायत करता कौन? शिकायत करता अशोक कुमार जी। अच्छा, क्या करता है इसमें, किस तरह से शिकायत इसने किया कि भाई हमारे जो भाई की जो ताऊ की डेथ हुई थी उसमें ये चोटें कम दिखा दी थी। पहले बता रहे थे इन्होंने एक चोट दिखाई थी, जब बोर्ड द्वारा पाया तो उसमें 4 चोटें और एक्स्ट्रा मिली है। यानी कि डॉक्टर ने लापरवाही? हाँ, डॉक्टर की लापरवाही से ये कहानी पाई गई है। इसमें ADA साहब की राय ली गई है। ADA साहब की राय के बाद ये मामला दर्ज हुआ है। दरअसल गांव हरसाना कला निवासी अशोक कुमार ने शिकायत की थी कि 29 दिसंबर 2017 को उनके ताऊ रणधीर की हत्या हुई थी। इस दौरान बदमाशों ने उनके भाई के सिर पर भी तेज धारदार हथियार से वार किया था। अशोक का आरोप था कि डॉक्टर ने दोषियों के साथ मिलकर मेडिकल ठीक ढंग से नहीं किया, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत ACP को की थी। ACP ने CMO को दोबारा मेडिकल करवाने की बात कही थी और जब बोर्ड द्वारा मेडिकल करवाया गया तो पहले मेडिकल में एक चोट दिखाई गई थी और फिर बोर्ड ने 4 चोटें दिखाई। फिलहाल पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।